हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा दृष्टि दोष पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस इसके एक और नेम होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें दूर की चीजें तो आपको क्लियरली विजिबल होंगी, दूर की चीजें आपको दिख रही होंगी, लेकिन जब आप पास की चीजों को देखते हैं तो वो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग एक ग्राफ डायग्राम से इसको समझे, तो जैसे मान लीजिए आई बॉल है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो जब इसमें आप पास की चीजें देखोगे, पास की चीजें मतलब आपको याद होगा नॉर्मल आईडी अगर हम लोग नियर पॉइंट की बात करें तो होता है 25 सेंटीमीटर। तो जब आप इस रेंज के रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसकी जो इमेज बन रही होगी वो रेटिना से ही दूर बन रही होगी, यानी आफ्टर रेटिना बनेगी। जब ऐसा है तो इस केस में आप समझ सकते हो जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बन रही होगी। तो इस आई डिफेक्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष, और इसी का एक नेम है हाइपरमेट्रोपिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके रीजन क्या है? तो पहला रीजन ये है कि जो आई बॉल है उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाए, यानी उसका व्यास जो है वो कम हो जाए। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकस दूरी अगर बढ़ जाए, फोकस दूरी कब बढ़ेगी? जब इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्वेक्सिटी है वो कम हो जाए, कॉन्वेक्सिटी कम होगी, यानी इसकी जो वक्रता है, वक्रता जो है अगर वो कम हो गई तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, जैसे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो है दूरदृष्टि दोष हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है। तो वो बात ये चीज समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष है क्या? ये ऐसा दोष है जिसने व्यक्ति को पास की चीजें नहीं दिख रही, दूर की चीजें दिख रही होंगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो आई बॉल है उसका डायमीटर कम हो जाता है, या ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो ये इसके रीजन है। अब इसको सही कैसे करते हैं, इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, तो देखिए जरा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जैसे आपको याद होगा निकट दृष्टि दोष वाले में हम लोग यूज करते थे कॉन्केव लेंस का, यहां यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ ऐसे। अब देखिए लेंस क्या काम करेगा, तो जब हम लोग 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो देखिए लेंस क्या काम करेगी। तो जैसे ही रेंज पे गिरेगी यू, तो इसका काम है रेस को कन्वर्ट कर देगा, रेस को कन्वर्ट कर देगा, यानी ये रेस ऐसे अब इसके जा रही। जब ये ऐसे गिरी तो अब ऑब्जेक्ट ये नहीं रहा, ऑब्जेक्ट इसके लिए हो जाएगा ऐसे, तो अब ऑब्जेक्ट गिरेगी, यानी देखिए वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया ऑब्जेक्ट, और दूर की चीजें तो ये देख ले रहा था, यानी 25 सेंटीमीटर से जो दूर है तो ये क्या हो, जो नॉर्मल आई वो 25 सेंटीमीटर तक देख लेती है, तो ये क्या कर रहा होगा, 25 का नहीं देख पा रहा होगा, 30 का हो सकता है देख ले रहा हूं, 35 का देख ले रहा हूं, तो ये उधर तक इस इमेज को बना देगा जहां तक की चीजों को ये देख लेता है। अब जब ये वहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज को क्लियरली यहां पे बन जाएगी। तो इस तरीके अगर हम लोग यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो ये जो दोष है लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, इसके लिए देखिए यू ये हो गया, इसके लिए वी ये हो गया, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। अब यू वी हमको पता होगा, हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे 1/f = 1/v - 1/v। क्या रखेंगे इस लेंस के लिए, इसके लिए ये रखा जाएगा जहां तक ये जो ह्यूमन आई है, जहां तक कि उसको ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा था जितने पास तक का, वो बन जाएगा वी। और यू हमें कितना रखना है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज को देखना चाहते होंगे। तो ये था जो है लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें जो है पास की चीजें हमें नहीं दिख रही,
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आई इफेक्ट्स के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, दृष्टि दोषों से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो हम लोग कैसे हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, वो जो है 20 मीटर से ज्यादा दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाता। 20 मीटर से ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, पास के देख ले रहा है, तो पक्का इसको निकट दृष्टि दोष होगा क्योंकि उसी में दूर की चीजें नहीं दिखती, यानी इसको मायोपिया है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा कि उसे अपना विजन करेक्ट करने के लिए, उसे अपना ये दृष्टि दोष दूर करने के लिए कितनी फोकल लेंथ का लेंस जो है वो यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसको मायोपिया हुआ है तो बहुत दूर की चीजें देखना चाहेगा, यानी यू इक्वल टू हो गया माइनस इनफिनिटी, वी क्या हो जाता है जहां तक वो देख लेता है, यानी माइनस ट्वेंटी। अब लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, तो वी की जगह रखेंगे माइनस ट्वेंटी मीटर और यू की जगह रखेंगे माइनस इनफिनिटी, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेंटी मीटर। अब एफ नेगेटिव है, इस तरह आपको कॉनकेव लेंस यूज करना होगा, हमको पता ही है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको करेक्ट करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस यानी ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अगर इसकी पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला लगा देंगे वन अपॉन एफ। ठीक है, एफ मीटर में ही रख देंगे तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट में आ जाएगा और नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया होगा। इसी क्वेश्चन को ये बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, वो 20 मीटर है। दूर बिंदु मतलब जितने दूर का वो देख लेता है, जिससे दूर का उसको नहीं दिख रहा, तो भी हम लोग इसको जो है ऐसे ही सॉल्व करते। तो क्वेश्चन था वो 20 मीटर से दूर का नहीं देख पा रहा है, तो बहुत दूर का देखना चाहता था, ये हो गया माइनस इनफिनिटी और कहां तक देख लेता है 20 मीटर तक, तो भी हो गया माइनस 20 मीटर। अब यू और वी पता है, एफ निकालना था, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एफ वैल्यू माइनस ट्वेंटी रख देगा, वी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी रख देगा, माइनस वन अपॉन यू की माइनस इनफिनिटी, ये तो पूरा जीरो हो गया, तब फिर आगे माइनस ट्वेंटी मीटर। पावर निकाली तो पावर मान लो लगेगी वन अपॉन। ठीक है सर, आपको ये समझ आया, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है वो 30 सेंटीमीटर से पास की चीजें नहीं देख पा रहा है, यानी वो 30 सेंटीमीटर तक देख लेता है, उससे पास की नहीं देख पा रहा है, तो कितने पास की देखना चाहता होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन उसे कौन सा डिफेक्ट है, तो उसे पास की चीजें नहीं दिख रही, यदि उसे दूरदर्शी दोष है, यानी अब उसे हाइपर मेट्रोपिया है। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपर मेट्रोपिया उसको है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटेडनेस है, दूरदर्शी दोष है। अब उसे ये दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो पता है कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, अब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बीइंग है वो 30 सेंटीमीटर से कम की चीजें नहीं देख पा रहा है, तो उसे ये विजन करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो कितने पास की देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर की देखना चाहता है, तो U पता है और जहां तक वो देख लेता है वो V होता है, V की वजह से माइनस 30 से भी। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया, तो इसको दूरदर्शी दोष हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ये एफ वैल्यू आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब इसी क्वेश्चन को नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसका नियर पॉइंट इतना है। ठीक है, जैसे उसका फार पॉइंट है, बोल सकता है नियर पॉइंट इतने सेंटीमीटर है, जरा बताइए कि उसको किस लेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, कितनी फोकल लेंथ, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू यूज करेंगे वन अपॉन बी, बी के अंदर देंगे माइनस 30, माइनस वन अपॉन यू के अंदर देंगे माइनस 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, फिर एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, यहां से एफ आप निकाल दोगे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें इसकी पावर निकालनी, तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन एफ, लेकिन एफ को मीटर में रखना होगा, पहले एफ मीटर में आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब एफ सेंटीमीटर में आएगी, जब सेंटीमीटर में आएगी तो उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा, वो अगर यहां तक आएगी तो आपका आंसर डायरेक्ट में आ जाएगा। तो आपको वो भी न्यूमेरिकल दोनों समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स।
इसमें क्या था, आप उसको 30 सेंटीमीटर से पास की चीजें नहीं देखते, यानी इसको हाइपरमेट्रोपिया जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर पॉजिटिव आएगी। यू क्या रखेंगे, जहां तक वो देखना चाहता है, 5 सेंटीमीटर देखना चाहता होगा तो ये यू हो गया, यहां पर देख लेता हूँ